हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 25 जुलाई है और आज करेंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 23 जुलाई को। 23 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ये निजी कंपनी थी जिसने मुंबई स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। कब? 23 जुलाई को। बाद में क्या हुआ? बाद में 1 अप्रैल 1930 को सरकार ने प्रसारण अपने हाथ में ले लिया और नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न से पहले है, ये आकाशवाणी का लोगो है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई, तो ये लोगो है, देख लीजिए आप सभी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर COVID-19 कोऑपरेशन चलाने की घोषणा की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसराइल के साथ। दोस्तों भारत ने इसराइल के साथ मिलकर COVID-19 कोऑपरेशन चलाने की घोषणा की है। इसमें होना क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं ना, ऐसे में सरकार का जोर टेस्टिंग बढ़ाने पर है। ठीक है, तो देश में 30 सेकेंड में परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर काम चल रहा है। ठीक है, इस किट पर काम चल रहा है जो 30 सेकेंड में परिणाम दे देगी। ठीक है, तो इसमें मदद कौन करेगा? इसराइल। ठीक है, और है क्या? COVID-19 कोऑपरेशन, इसके तहत इसराइल मदद कर रहा है। और होना क्या है कि 30 सेकेंड में परिणाम देने वाली रैपिड टेस्टिंग किट बनानी है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मानद पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साहिल सेठ। तो दोस्तों साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मानद पद पर नियुक्त किया गया है। साहिल सेठ कौन है? तो साहिल सेठ के बारे में जान लेते हैं। यह 2011 बैच के राजस्व सेवा अधिकारी हैं। ठीक है, ये फिलहाल में मुंबई कस्टम्स के डिप्टी कमिश्नर हैं। कौन है? डिप्टी कमिश्नर। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मानद पद क्या होता है? मानद सलाहकार पद है पूरा नाम इसका। तो इसकी भूमिका स्वैच्छिक आधार पर होती है। ठीक है, इसमें कोई वित्तीय लाभ शामिल नहीं होता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमित शाह। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। कब की है? तो 23 जुलाई 2020
23 जुलाई 2020 को अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। इसमें होना क्या है वृक्षारोपण अभियान में, तो इसके तहत क्या होगा, खानों जो कोयला की खान है उसमें मुख्य रूप से पेड़ लगाने हैं, तो खानों में और कार्यालयों में और कॉलोनियों में क्या लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, ठीक है। और इसमें कोयला क्षेत्र जहां पर खनन हो चुका है, खनन हो चुका है वहां पेड़ लगाने की बात कही गई है, मतलब कोयला क्षेत्र को प्रमुख बताया गया है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने वॉलमार्ट के भारतीय थोक बाजार का अधिग्रहण किया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट के भारतीय थोक बाजार का अधिग्रहण किया है, ठीक है। फ्लिपकार्ट इस कदम से फ्लिपकार्ट अगले तीन महीने तक फ्लिपकार्ट होल सेल नामक एक डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च कर सकेगी, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु भारत ड्रोन का निर्माण किया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी DRDO ने। तो दोस्तों DRDO ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु भारत ड्रोन का निर्माण किया है। अब DRDO क्या है, तो DRDO है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है। तो भारत ड्रोन का निर्माण किया है और भारतीय सेना को सौंप दिए गए हैं, ठीक है। अब इनकी मुख्यता क्या है, खासियत क्या है इनकी, भारत ड्रोन की, तो यह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में भी सटीक निगरानी रखेंगे, ठीक है। और यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर वीडियो प्रसारण भी करेंगे, ठीक है। और मौसम खराब हो या अच्छा हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, यह काम करता रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है, ठीक है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है, उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। ये कौन है, रक्षा मंत्री है, ठीक है। तो उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने, और अध्यक्षता किसने की है, अध्यक्षता की है एयर चीफ मार्शल। कौन है एयर चीफ मार्शल, तो एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया। तो इन्होंने क्या की है, अध्यक्षता की है, ठीक है। विषय क्या है, विषय थीम क्या है, इस सम्मेलन की थीम क्या है, तो थीम है
अगले दशक में भारतीय सेना, अगले दशक में भारतीय सेना, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इस सम्मेलन का उद्देश्य है भारतीय वायु सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर विचार विमर्श करना, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीले रंग का कछुआ कहां देखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा। तो दोस्तों ओडिशा में पीले रंग का कछुआ देखा गया है। तो ओडिशा के किस क्षेत्र में? ओडिशा के बालासोर जिले में इसे पाया गया है, ठीक है। यह आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विशेषज्ञों ने इसका नाम दिया है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या नाम दिया है? तो एल्बिनिज्म नाम दिया है। अब ये एल्बिनिज्म क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एल्बिनिज्म एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है। क्या है? आनुवांशिक विकार, ठीक है। इसमें होता क्या है? इसमें त्वचा, आंख और बाल या अन्य प्रजातियों की फुंसी, पंख या पीठ पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यही हुआ है इस कछुए के साथ, इसको एल्बिनिज्म है, एक प्रकार का आनुवांशिक विकार, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये कछुआ है आपके सामने, आप देख सकते हैं ये पीले रंग का कछुआ है, ठीक है। तो एक प्रकार से पीड़ित है जिसे कहा जाता है एल्बिनिज्म। क्या कहा जाता है? एल्बिनिज्म। इसमें सब कुछ पीला हो जाता है, देखिए आप देख पा रहे हैं जैसे कि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे SBI जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, PC कांडपाल, ठीक है। इनका पूरा नाम है प्रकाश चंद कांडपाल, ठीक है। यह भूषण महापात्रा की जगह लेंगे, तो ये भूषण महापात्रा हैं, इनकी जगह पर इनको रखा गया है, जगह लेंगे, ठीक है। और भूषण महापात्रा को निदेशक बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? निदेशक। और प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो PC कांडपाल को। और भूषण महापात्रा कौन है? ए निदेशक है, निदेशक बना दिया गया है, ठीक है। और अब जान लेते हैं PC कांडपाल के बारे में, ये PC कांडपाल कौन है? तो इनको SBI में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, बैंकिंग, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, आदि क्षेत्रों में 33 से ज़्यादा वर्षों का क्या है? अनुभव है, ठीक है। इसीलिए इनको प्रबंध निदेशक बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने तियानवेन 1 नामक मंगल मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए चीन ने। तो दोस्तों चीन ने तियानवेन वन नामक मंगल मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। यह स्वतंत्र रूप से चीन का पहला मिशन है जो मंगल मिशन है। यह मंगल मिशन चीन का स्वतंत्र रूप से पहला मिशन है, ठीक है। इससे पहले रूस के साथ चीन ने मंगल मिशन भेजा था, जो मौसम खराब होने रॉकेट में खराबी आने के कारण फेल हो गया था, ठीक है। तो यह स्वतंत्र रूप से पहला मंगल मिशन है जो चीन ने भेजा है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब जान लेते हैं तियानवेन के बारे में कि तियानवेन वन है क्या और इसका काम क्या है। तो तियानवेन वन, इसका अर्थ है स्वर्ग से सवाल, ठीक है। तो दोस्तों ये क्यों भेजा जा रहा है, क्या काम है इसका? तो इसका काम है, इसका उद्देश्य है मंगल जो ग्रह है इसके वातावरण का पता लगाना और जीवन के संकेतों के बारे में जानना, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोनू सूद। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। इसमें होना क्या है, तो प्रवासी रोजगार ऐप के द्वारा प्रवासी मजदूर जो होते हैं, प्रवासी हैं जो पूरे देश में जो हैं, वह नौकरी के अवसर तलाश पाएंगे और कहाँ, पूरे देश में नौकरी के अवसर तलाश पाएंगे। इस ऐप में 500 से अधिक निर्माण, परिधान, BPO आदि की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे, ठीक है। नौकरी के अवसर मुहैया कराए जाएंगे, 500 से ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे जो इस ऐप के अंदर होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कल का जवाब, जो मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की घोषणा की है। अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो है हाल ही में पैसिव नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो भी आपका उत्तर है आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दिल से लाइक करें दोस्तों, ठीक है। चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।